हुआ है, इसमें ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, इलायची पड़ा हुआ है, इधर भी हटाइए इलायची, इलायची है ये, इलायची है, ये ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, इलायची है, भुना हुआ है, ये भुना बेसन है, भुना बेसन है, जो घी से बताते जाइए, थोड़ा बता दीजिए सर। शुद्ध देसी घी का लड्डू बनने के लिए तैयार हो रहा है, और इसमें जो है देसी घी पड़ा है, ड्राई फ्रूट का है, जैसे काजू है, छोटी इलायची है, उसके बाद बेसन भी है। इसका भुनाई कम से कम तीन घंटा 35-40 मिनट तक भुनाई होता है इसका। उसके बाद ये भूनते भूनते सुनहरा कलर में हो जाता है। सुनहरा कलर होने के बाद इसको ठंडा किया जाता है, 3-4 घंटा ठंडा होने में लगता है। ठंडा होने के बाद इसमें शक्कर मिलाया जाता है, शक्कर मिलाने में भी 2 घंटा लग जाता है, जब तक बढ़िया से मतलब मिक्सर ना हो जाए तब तक इसको हम लोग मिलाते रहते हैं। शुद्ध देसी घी गाय का रहता है, उसी के लिए जम गया है इसको हम लोग।
कहा इनमें का ढक्कन सादा लिया हुआ सादा लिया हाँ सादा लिया।